आयुष्मान भारत फाउंडेशन युवा सोच सामाजिक समिति राजगढ़ ने दिव्यांग मूक बधिर छात्रावास के बच्चों को स्वेटर कापियां बिस्किट और पेन का वितरण किया है। कार्यक्रम में बरमंडल बरमखेड़ी खूटपड़ा दसाई केसूर लेबर सहित आसपास के आयुष्मान भारत फाउंडेशन युवा सोच सामाजिक समिति और मेरा देश मेरा प्रदेश के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण जन मौजूद थे। बच्चों ने अपनी सांकेतिक भाषा में अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। बच्चों ने अपनी सांकेतिक भाषा में छात्रावास में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया। बच्चों ने पानी बिजली सड़क बाउंड्री वॉल की समस्याओं से उपस्थित अतिथियों को अवगत कराया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताया कि हमें बरमंडल या सरदारपुर जाना पड़ता है, यदि कोई डॉक्टर समय समय पर आकर चेकअप करे तो काफी सुविधा हो सकती है। बच्चों के बीच आकर संस्था के पदाधिकारी और सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। जगनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। हमारे पास जैसे कि वाटर कूलर है, फ्रिज है, तो ये क्या बिजली लो होने के कारण चल नहीं पाते, तो बच्चों को क्या काफ़ी फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो एक पर्सनल क्या बच्चों के लिए ट्रांसफार्मर लग जाए तो बिजली की भी अच्छी बढ़िया रहे। तो हमारे पास जो वाटर कूलर है, फ्रिज है, कूलर है, ये चलते रहें। वो पानी के लिए क्या है कि समस्या आती रहती थी, एक छोटा सा टैंकर विधायक या जन सहयोग के माध्यम से हो जाए तो अपन क्या इमरजेंसी में किसी भी ट्रैक्टर वाले को ला के भरवा सकते हैं। हाँ, पानी पानी चीज़ों की समस्या है, आपने विकल्प बता दिया उसका। हाँ सर, ये अपन को फिलहाल में तो क्या है सर, जैसे कि छात्रावास है चल रहा है, धार जिला स्तर का है, पूरे अपने पास धार जिले के दिव्यांग बच्चे हैं, जिला स्तर पर कभी भी जाएगा, लेकिन उस चीज़ में क्या समय बाद में ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।